गुड मॉर्निंग दोस्तों, सॉरी यार, गुड इवनिंग। चलिए जो भी है, गुड मॉर्निंग, इवनिंग, सब कुछ ठीक है। नमस्ते। आज हम लोग बात करने वाले हैं नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का रिजल्ट, ठीक है, कैसे चेक करें। तो देखिए, जनरली यहाँ पे सेमेस्टर वन और टू दोनों का रिजल्ट आया है, मतलब सॉरी, दोनों का रिजल्ट आने वाला है, जिसमें से अभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा किसका। तो हम लोग बात करने वाले हैं सेमेस्टर टू का रिजल्ट, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, दोनों का सेम प्रोसेस है। देखिए, सबसे पहले इस पेज पे आना है। इस पेज आपको कहाँ पे मिलेगा ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आना पड़ेगा आपको गूगल, ठीक है। अपना मोबाइल में गूगल ओपन कीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा NPU, ठीक है। गूगल से क्रोम पे NPU लिख के सर्च मारिएगा, ठीक है। तो आपके सामने, एक मिनट, इसको नोट नो कर देते हैं, इस तरह से आएगा। यहाँ पे देखिए, एक आया था नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी और नीचे में NPU रिजल्ट। आपको सिंपल इसी पे क्लिक करना है, NPU रिजल्ट लिखा होगा इसी पे, ठीक है। या फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी रिजल्ट लिखा है, तो हमें करना है यहाँ पे क्लिक NPU रिजल्ट, ठीक है, मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए। अब देखिए, यहाँ पे आपका रिजल्ट का सेक्शन खुल जाता है। सबसे पहले यहाँ पे आपका है कोर्स टाइटल सेलेक्ट करने का, तो यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा NEPUG। क्या सेलेक्ट कीजिएगा? NEPUG, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। फिर आता है आपका सेमेस्टर। सेमेस्टर में आप सेलेक्ट कीजिएगा सेमेस्टर वन टू। वन का भी रिजल्ट नहीं आया है, टू का आया है, ठीक है। वन का जल्दी ही आ जाएगा, तो टू पे इस पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे स्ट्रीम पूछेगा, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किस में पढ़ते हैं, तो हम आर्ट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना है और गेट रिजल्ट पे क्लिक करना है। चलिए मैं आपको चेक करके बताता हूँ और पास फेल क्या प्रोसेस है वो भी बताऊंगा, ठीक है। देखिए, ये एक कैंडिडेट का रिजल्ट है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपका मेजर पेपर यहाँ पे देखिए लिखा जो रहेगा, ये आपका ऑनर्स पेपर है, ठीक है। सेशन 22-26 कैंडिडेट का है, 23-27 वालों का जल्दी ही रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे आपका कॉलेज का नाम रहेगा और यहाँ पे पेपर कोड, देखिए, सॉरी कॉलेज कोड। पहला है आपका पेपर नेम CC पेपर 4, जो कि सबका कॉमन रहेगा इंग्लिश, ठीक है। CC पेपर 5, जो कि मैथ वाला पेपर सबका कॉमन है। CC पेपर 6, ये भी सभी का रहेगा, मतलब ये तीन को पेपर सभी का रहा, ठीक है। ग्लोबल सिटीजनशिप, तो देखिए ये जो पेपर है, क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है वो जानेंगे, पहले इस तीनों को जानते हैं। ये तीनों आपका 100 100 100 मार्क्स का था, ठीक है, तीनों 100 100 100 मार्क्स का। और इसमें पास करने के लिए आपको 40 नंबर लाना था, ठीक है। कितना नंबर? 40। तो देखिए, इनका 54 नंबर आया है, कितना? 54। एक मिनट में इसको थोड़ा बला कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, इनका 54 मार्क्स आया है, कितना मार्क्स आया है? 54, ठीक है। इसको और बड़ा अगर होता है तो मैं करके देखता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके देखता हूँ, नहीं होगा ये, हाँ हो रहा है। चलिए अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे कितना है, 100 फुल मार्क्स है, इसमें 40 नंबर लाना है। अगर आप 40 नंबर लाते हैं तो पास है, ठीक है। 40 नंबर अगर आपका आ गया है तो पास है। अगर आप 39 भी लाते हैं 39, तो आप फेल हैं, ठीक है। 40 लाएंगे तो पास, 40 से एक भी कम लाएंगे तो फेल। तो यहाँ पे इनका 54 मार्क्स है, यहाँ पे ये पास है, इनको ग्रेड मिला है बी। अगर आप फेल होंगे तो यहाँ पे एफ लिखा जाएगा, ठीक है, बी के जगह पे एफ लिखा जाएगा। नेक्स्ट है, ये मैथ का पेपर है, इसमें भी इनको 54 मार्क्स मिला है। 54 में अगर पास है सिंपल, 40 होता तो फेल हो जाते हैं, तो ये पास है, इसमें भी बी आया है, ठीक है। ग्लोबल सिटीजनशिप, इसमें इनका कितना मार्क्स लाना था? 40, इसमें भी, ठीक है। और इनको कितना मार्क्स आया? 65। तो 65 यानी कि इनको ग्रेड ए आया है और इसमें भी ये पास है। आगे देखते हैं, फिर आता है IRC पेपर। IRC पेपर 100 मार्क्स का था ये भी, और इसमें भी 40 नंबर लाना था, ठीक है। तो इनको 54 मार्क्स मिला है, यानी कि इसमें भी ये पास है, ठीक है, ग्रेड बी मिला। नेक्स्ट है आपका IBS का पेपर था, कंप्यूटर बेसिक एंड मल्टीमीडिया, ठीक है। ये था 50 मार्क्स का, और 50 में से इसमें अगर आप 20 नंबर लेते आते हैं, ठीक है, एक मिनट, 50 मार्क्स का आपका था इंटरनल, ठीक है, और मतलब सॉरी 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ था और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल, ठीक है, ये कंप्यूटर बेसिक एंड मल्टीमीडिया वाला। तो कुल मिला के 100 मार्क्स का पेपर था, 50 मार्क्स आपका था एक्सटर्नल एग्जाम और 50 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल का सेक्शन है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल वाला सेक्शन है। तो 50-50 100 हो जाता है कुल, और इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए दोनों 20-20 नंबर लाना है। मतलब आपका एक्सटर्नल एग्जाम, देखिए ये वाला 50 मार्क्स का जो हुआ,
इसमें आपको 20 नंबर लाना है यहाँ पे, ये 29 जहाँ पे लिखा है यहाँ पे, अगर आपका 20 आया है तो आप इसमें पास, ठीक है। 20 से एक भी कम रहेगा तो फेल हो जाएंगे। और ये जो यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल वाला है, ये 26 इनका आया है, यहाँ पे भी 20 या उससे ज्यादा होना चाहिए, 20 से एक भी कम रहेगा तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो इनका दोनों में पास 20 से ज्यादा है यानी कि 55 मार्क्स है, तो ग्रेड बी प्लस इनको मिल गया। नेक्स्ट है आपका एमजे पेपर, मेजर पेपर 2, जो कि ऑनर्स पेपर होता है, 75 मार्क्स का सबका एक्सटर्नल हुआ है और 25 मार्क्स का इंटरनल हुआ है, ठीक है, कुल मिला के 100। और देखिए यहाँ पे इनको कितना मिला है, 51 नंबर मिला है कुल मिला के, मतलब प्रैक्टिकल मिला 13 नंबर और इनको एक्सटर्नल एग्जाम से आया है 38 नंबर, ठीक है, कुल मिला के 51 नंबर मिला है और इनका ग्रेड मिला है बी, ठीक है। तो अगर आपका किसी में भी एफ नहीं लिखा है तो आप फेल नहीं है, ठीक है। फाइनल एग्जाम आपका लिखाएगा यहाँ पे पास और प्रमोटेड सबका लिखाएगा, ठीक है, जिसका जिसका प्रमोटेड लिखा है यानी कि वो सब को इस सेमेस्टर 3 में चले गए हैं, जिनका यहाँ पे प्रमोटेड नॉट प्रमोटेड लिखा है यानी कि वो सेमेस्टर 2 में ही रह गए हैं, ठीक है। अगर आपका नॉट प्रमोटेड या फेल लिखा हुआ है यहाँ पे तो आप सेमेस्टर 2 में ही हैं, आपको अभी सेमेस्टर 3 में नहीं ले जाया गया है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे शो करेगा, फुल मार्क्स यहाँ पे शो करेगा, ग्रेड और ये ग्रेड भी है, ठीक है, और ये SGPA रिजल्ट पास, ठीक है। प्रमोटेड सबका रहेगा, अगर किसी का नॉट प्रमोटेड लिखा है दैट मीन्स आप सेमेस्टर 3 में प्रमोटेड नहीं हुए हैं। आगे देख लेते हैं रिमार्क, रिमार्क में यहाँ पे क्या बोला गया है थोड़ा सा इसको जानेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने हिंदी में कर दिया ताकि सबको समझने में आसानी हो, हम लोग झारखंड हिंदी भाषी स्टेट के हैं ना। तो देखिए यहाँ पे बोला गया फर्स्ट थिंग टिप्पणी यानी कि कमेंट में, किसी भी पेपर में उत्तीर्ण होने के लिए परीक्षार्थी को क्या बोला गया है, यूएसई, अरे यार इससे अच्छा तो इंग्लिश ही था, और पार्टिकल भाग यदि कोई हो में अलग अलग 40% अंक प्राप्त करना होगा। यहाँ पे बोला गया है कि जो भी आप पेपर दे रहे हैं उसमें से एक्सटर्नल एग्जाम, ठीक है, ईएससी मतलब एक्सटर्नल एग्जाम और आपका प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल चाहे आपका इंटरनल, दोनों में 40% मार्क्स करके लाना होगा, ठीक है, यानी कि दोनों में पास करना होगा, ठीक है। और मैंने बताया ना कि 20 नंबर इंटरनल, जैसे प्रैक्टिकल हो गया 50 नंबर का तो आपको 20 नंबर लाना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल अगर प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का रहेगा तो 20 नंबर लाना पड़ेगा, एग्जाम भी 50 मार्क्स का रहेगा तो 20 नंबर, ठीक है। 50 में 20 नंबर पासिंग है, 75 में 30 नंबर पासिंग है, अगर 25 नंबर का इंटरनल होता है तो 25 में आपको 10 नंबर लाना पड़ेगा इंटरनल में, तब भी आप पास कर पाएंगे, अगर इंटरनल में भी फेल हो जाते हैं तो भी आपको फिर फेल माना जाएगा, ठीक है। तो इंटरनल में 25 में 10 नंबर लाना है कम से कम, 75 में 30 नंबर लाना है और 50 में 20 नंबर लाना है, 100 में 40 नंबर लाना है, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया टिप्पणी में, सेमेस्टर 2 से सेमेस्टर 3 में पदोन्नति यानी कि प्रमोट पाने के लिए एक छात्र को एक शैक्षणिक छात्र में कम से कम 75% पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा, ठीक है, यानी कि 12 को पेपर है टोटल, सेमेस्टर 1 में 6 को पेपर है और सेमेस्टर 2 में 6 को पेपर है, टोटल 12 को पेपर, सेमेस्टर 1 में 6 पेपर, सेमेस्टर 2 में 6 पेपर, कुल मिला के 12 पेपर, 12 में से अगर आप 9 पेपर में पास हैं तो आप सेमेस्टर 3 में जाएंगे, अगर 12 में 9 पेपर में पास नहीं है, मान लीजिए 8 को पेपर में पास हैं तो आप सेमेस्टर 3 में नहीं जाएंगे, ठीक है, इतना ही बात है। नेक्स्ट है आपका यदि किसी यदि अंक विवरण तैयार करते समय किसी भी स्तर पर कोई गलती पाई जाती है या इसे संबंधित प्राधिकार के ध्यान में लाया जाता है तो विश्वविद्यालय का अवश्य सूचना सुधार का अधिकार होगा, यह कंप्यूटर द्वारा तैयार किया गया अंतिम ग्रेड कार्ड है इसलिए सत्यापन के लिए हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। और देखिए अगर आपका मार्कशीट में किसी प्रकार की गलती है तो आप यूनिवर्सिटी जाके सुधार सकते हैं, ठीक है। और ये रिजल्ट आपका 25 सितंबर को ही आया है, लेकिन आप में से बहुत से कैंडिडेट को मैंने देखा कि अभी तक रिजल्ट पूछ रहे हैं कि रिजल्ट नहीं आया, अरे आ गया है यार चेक करके भी मैंने दिखा दिया, ठीक है। तो अगर किसी का नॉट प्रमोटेड लिखा है तो यानी कि आप जो है सेमेस्टर 1 में फेल किए होंगे किसी पेपर में और सेमेस्टर 2 में भी फेल गए होंगे, ठीक है, तो फेल कर गए, कुल मिला के आपको 12 को पेपर, सेमेस्टर 1 का 6 को पेपर और सेमेस्टर 2 का 6 को पेपर, 12 को पेपर में अगर आप 9 पेपर में पास हैं तो सेमेस्टर 3 जाइएगा, नहीं तो नहीं जाइएगा। अब जो लोग फेल है वो लोग क्या कीजिएगा, जितना आदमी फेल है, ठीक है, उनको सेमेस्टर 1 का जब रिजल्ट आएगा, आप एग्जाम दिए होंगे डेफिनेटली जिस पेपर में फेल है उसमें, ठीक है, तो आपका अगर रिजल्ट में पास हो जाते हैं तो फिर आप सेमेस्टर 3 में चले जाइएगा, और अगर पास नहीं होते हैं तो फिर सेमेस्टर 3 में नहीं जाइएगा, ठीक है।
चलिए अब एक चीज हो गया कि आप लोग का रिजल्ट तो आ गया, फॉर्म फिलअप जल्दी ही हो जाएगा, लगभग 15 दिनों के अंदर, मतलब कि दुर्गा पूजा के बाद आपका फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा और आपका दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, दिसंबर तक एग्जाम हो जाएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। रिजल्ट कैसे चेक करना है जान लिए सबको, नहीं देखिए तो एक बार वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। थैंक यू, बाय।